सजाया है लाल गुलाब के फूलों से। बोलो बोलो, किसने तुम्हें सजाया है? महक रहा दरबार तुम्हारा, इतना इत्र लगाया है। महक रहा दरबार तुम्हारा, इतना इत्र लगाया है। तुम इतने प्यारे हो बाबा, तुम इतने प्यारे हो बाबा, किसी की नजर ना लगे श्याम सरदार मेरे दिलदार। बाबा हो तुम इतने प्यारे हो बाबा, किसी की नजर ना लगे श्याम सरकार मेरे दिलदार। तुम सज धज करके बैठे हो, तुम सज धज करके बैठे हो, किसी की नजर ना लगे श्याम सरकार मेरे दिलदार। इतने प्यारे हैं, दोनों हाथ उठाकर हो तुम सज धज करके बैठे हो, तुम सज धज करके बैठे हो, किसी की नजर ना लगे श्याम सरकार मेरे दिलदार। तुम सज धज करके बैठे हो, तुम सज धज करके बैठे। देखो मेरी आवाज किस किस को समझ में आ रही है। हाँ, एक लाइन मैं गाऊं, उसके बाद आप गाओ। तुम सज धज करके बैठे हो, सज धज करके मेरी। अच्छा देखो दिल्ली वालों, एक बार दो घंटे सोच लो ना, जो ये बोलेगा कर लेंगे, करके देखो ना दो घंटे, आपको आनंद आएगा तालियां बजाकर। जितने स्टेज पे बैठे हैं, मेरी विनती, स्टेज ऐसे ही नहीं मिलता भाई साहब, स्टेज पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप को औदा दिया गया है तो उसका मान रखना आपकी जिम्मेवारी है, तालियां बजाकर। सज धज करके बैठे हो, सज धज करके बैठे हो, किसी की नजर ना लगे श्याम सरकार मेरे दिलदार। तुम सज धज करके बैठे हो, किसी की नजर ना लगे श्याम सरकार मेरे दिलदार। तालियां बजाकर आइए। सजाया मंडल वालों ने, करावल नगर वालों ने, तालियां बजाओ। लाल गुलाब के फूलों से किसने तुम्हें सजाया है? लाल गुलाब के फूलों से किसने तुम्हें सजाया है? महक रहा दरबार तुम्हारा, इतना इत्र लगाया है। और बाबा तुम इतने प्यारे
इतने प्यारे, इतने 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 कितने हाथ उठाकर, तुम इतने प्यारे हो, कहीं आप तुम इतने किसी की नजर ना लगे शाम सरकार मेरे दिलदार। इतने लोग तालियां बजा सकते हैं। सोचो, विचार करो, दरबार लगा है, सेठ सांवरा खाटू से आया है, क्या करोगे इन हाथों का, तालियां बजाओ ना। केसर चंदन तिलक लगा बैठा बैठा मुस्काए, केसर चंदन तिलक लगा से प्रेम करते हैं ना, वो इन भजनों को गाते हैं कि आपको नजर ना लगे। वैसे तो आप बोल दोगे कि क्या ही उतारेंगे नजर बाबा की, कोशिश तो कर सकते हैं ना, कितने लोग उतारेंगे। तुम सज धज करके बैठे हो, तुम सज धज करके बैठे हो, किसी की नजर ना लगे शाम सर एक बार सारे गाएं, तालियां बजाओ थोड़ी थोड़ी, सुनिएगा ध्यान से। आज तेरा दरबार लगा गूंज रहा है जय
यार कितना आनंद आता है ऐसे कीर्तन होता है तो। बगल वाले को बोलो ना भाई साहब भजन गाइए ना, क्या यार इतने समझदार इंसान हुआ। बगल वाले को ऐसे बोलिए, बड़ाई मांगता है ना बगल वाला, बड़ाई करिए उसकी, कैसे भी करिए लेकिन उससे भजन गवा दीजिए। उसको बोल दीजिए मेरा तो सब कुछ तू है भाई, लेकिन भजन गा ले। बड़ाई के भूखे हैं, बड़ाई करिए, अगर भजन गा ले वो तो आनंद आ जाए तालियां बजाकर। आज तेरा दरबार लगा गूंज रहा है जयकारा, आज तेरा दरबार लगा गूंज रहा है जयकारा। पता नहीं चला किसने गाया किसने नहीं गाया, जो हाथ उठाकर गाएगा मैं समझ जाऊंगा वो गा रहा है, पूरे पूरे हाथ उठाकर। आज तेरा पहले मैं गा लूं, एनर्जी बचाइए, पहले मैं गा लूं फिर आप गाइए। तेरा दरबार लगा गूंज रहा है जयकारा, क्या बात है। दुनिया आई लूटने खातिर खोल दे बाबा भंडारा, खातिर खोल दे तेरा। अब तालियां बजानी पड़ेगी, देखो भजन पूरा हुआ। किस किस को लगा कि हमने कुछ किया कीर्तन में, और जिसने नहीं किया अगले भजन में करके देखो आप, अगली बार हाथ उठाओगे अपने आप के लिए, दोनों हाथ उठाकर तानिया बजाकर। तुम सज धज करके बैठे हो, तुम सज धज करके बैठे हो, किसी की नजर ना लगे शाम सरकार मेरे दिलदार। तुम सज धज करके बैठे हो, सज धज करके बैठे हो, किसी की नजर ना लगे शाम सरकार। अच्छा अगर मेरे दिलदार, अगर कारणवश कोई भी कारणवश ये जो माइक है इसकी सुविधा विलुप्त हो जाए, कोई भी कारणवश, तो उस समय क्या इतनी आवाज में गाओगे कि इससे ज्यादा आवाज में गाओगे? तो कहने का मतलब ये है जब तक हथौड़ी पड़ेगी नहीं तो एक बार कोशिश, एक बार सोच लीजिए माइक नहीं है उस समय आप कैसी आवाज में गाओगे, वैसी आवाज में हाथ उठाकर तालियां बजाकर बताओ मुझे। तुम सज धज किसी, मेरे दिलदार